आपका जी बिहार झारखंड देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ पलक प्रकाश। चलिए आपको दिखाते हैं रफ्तार के साथ फटाफट खबरें। आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे वर्चुअल जन चौपाल रैली के जरिए मथुरा आगरा और बुलंदशहर के मतदाताओं को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के कार्यक्रम में सीएम योगी समेत कई वरिष्ठ नेता भी रहेंगे मौजूद। दोपहर 1:15 बजे पीएम की होगी वर्चुअल रैली। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की तबीयत बिगड़ी, डॉक्टर्स ने वेंटिलेटर पर रखा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सीएम उद्धव ठाकरे ने जाना हाल, देश कर रहा है सलामती की दुआ। हैदराबाद में पीएम मोदी ने स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी का किया अनावरण, बैठी हुई मुद्रा में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा। संत श्री रामानुजाचार्य की याद में स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी राष्ट्र को समर्पित, 216 फीट ऊंची है स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी। 11वीं सदी के भक्ति शाखा के संत थे श्री रामानुजाचार्य, भारत में पहली बार समानता की बात करने वाले संत थे श्री रामानुजाचार्य। स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी के अनावरण पर बोले पीएम मोदी, रामानुजाचार्य की प्रतिमा कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा, रामानुजाचार्य का ज्ञान पथ प्रदर्शक बने। पीएम मोदी ने हैदराबाद में 50वीं वर्षगांठ का शुभारंभ किया, कहा किसानों को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए काम कर रहे हैं। हैदराबाद के फार्म हाउस पर रुके पीएम मोदी, खेत में जाकर पीएम मोदी ने चने भी खाए। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर आज जारी होगा बीजेपी संकल्प पत्र, यूपी फतह के लिए बीजेपी कर सकती है कई बड़े ऐलान। अमित शाह सुबह 10 बजे यूपी के लिए जारी करेंगे बीजेपी का संकल्प पत्र, जेपी नड्डा सीएम योगी समेत बड़े नेता रहेंगे मौजूद। सूत्रों के मुताबिक संकल्प पत्र में बीजेपी मुक्त बिजली का कर सकती है ऐलान, बिजली पर अखिलेश के दांव पर काट के तौर पर पेश करेगी बीजेपी। संकल्प पत्र में बीजेपी बिजली के बकाए बिल में भी दे सकती है छूट, बीजेपी किसानों को मिलने वाली बिजली को लेकर महत्वपूर्ण वायदा कर सकती है। बीजेपी के संकल्प पत्र के केंद्र में गरीब किसान और महिलाएं होंगी, इसके अलावा नए रोजगार पर भी फोकस रहेगा। संकल्प पत्र में बीजेपी ने जनता के सुझावों को किया है शामिल, योगी सरकार का पूरा जोर कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर रहा। नए संकल्प पत्र में कानून व्यवस्था पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, संकल्प पत्र में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे पर भी फोकस रहेगा। योगी सरकार ने प्रदेश में शिक्षा को लेकर कई बदलाव किए हैं, संकल्प पत्र में इन शिक्षा में सुधारों पर भी कुछ वायदे किए जा सकते हैं। नए संकल्प पत्र में डिजिटल सेवाओं के विस्तार होगा, कई जिलों में मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी और एक्सप्रेसवे की नींव रखी जाएगी। बीजेपी यूपी में डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ, झांसी, आगरा, चित्रकूट, नोएडा के काम करने की जमीन पर उतारने सहित कई बिंदुओं को शामिल करेगी। बीजेपी के संकल्प पत्र में समिति के अध्यक्ष सुरेश खन्ना ने को बनाया गया, समिति के सदस्यों ने कई जिलों का दौरा करके हर वर्गों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। यूपी में सीएम योगी आज मथुरा और अलीगढ़ के दौरे पर जाएंगे, दोपहर 12 बजे पहले मथुरा में करेंगे जनसभा। मथुरा के बाद सीएम योगी अलीगढ़ जाएंगे, अलीगढ़ में सीएम योगी 3 जगहों पर जनसभा को करेंगे संबोधित। मुजफ्फरनगर में सीएम योगी का विपक्ष पर तीखा प्रहार, कहा आपको दमदार सरकार चाहिए या दुमदार सरकार। सीएम योगी ने कहा जब सोच ईमानदार होती है तो काम दमदार होता है, आप तय कीजिए दमदार सरकार चाहिए या दुमदार सरकार। सीएम योगी ने कहा बीजेपी की सरकार दमदार है, दंगाइयों को सामने झुकने वाले लोग दुमदार थे। सीएम योगी ने कहा मुजफ्फरनगर का दंगा हो या कैराना का पलायन, ये लोग लखनऊ से दंगा करवा रहे थे, दिल्ली वाला लड़का तमाशा देख रहा था। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज करहल में रहेंगे, करहल विधानसभा सीट का करेंगे दौरा, नरसिंह जैन इंटर कॉलेज में कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। यूपी के मथुरा में तीर धनुष लेकर चुनाव मैदान में उतरे अखिलेश यादव, मथुरा में अखिलेश यादव ने किया चुनाव प्रचार। अखिलेश यादव को इस अंदाज में देखकर उनके समर्थकों ने जमकर लगाए नारे, समाजवादी पार्टी ने अखिलेश के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। मथुरा में अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, कहा ऐसा ताला बनवा रहे हैं जिसकी कोई दूसरी चाबी नहीं होगी। अखिलेश यादव ने कहा इस हवा ने बीजेपी को हवा खराब कर दी है, अब बीजेपी को परेशानी जयंत चौधरी से है। गर्मी पर फिर अखिलेश ने सीएम योगी पर कसा तंज, कहा जो गर्मी की बात कर रहे हैं यही गठबंधन उनकी गर्मी निकाल देगा। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का आज शामली, मुजफ्फरनगर में रहेगा दौरा, चुनावी जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित।
जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर की 3 विधानसभाओं में जनसभा को करेंगे संबोधित, दोपहर 12 बजे बघरा में जबकि 2 बजे पचेंडा में जनता कॉलेज में करेंगे सभा। मथुरा में सीएम योगी की गर्मी वाले बयान पर जयंत चौधरी का पलटवार, कहा हमारा खून गर्म है, गर्म ही रहेगा। जयंत चौधरी ने कहा 2 लड़कों की गर्मी देख सर्दी में बाबा के पसीने छूटने लगे, मैं बाबा को गुंडा दिखता हूं। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा चौधरी चरण सिंह के कार्यकाल में यूपी में गुंडा कानून बनाया गया था, बाबा जी आपने आज तक कोई कानून बनाया है तो बताए। जनता से अपील करते हुए जयंत चौधरी ने कहा हैंडपंप पर इतने बटन दबाओ कि हमारे उम्मीदवार जीतकर लखनऊ पहुंचे और बाबा की गर्मी का एहसास हो जाए। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन अवैसी आज सहारनपुर देहात और देवबंद का दौरा करेंगे, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। ओवैसी दोपहर 12 बजे सहारनपुर पहुंचेंगे, ओवैसी यूपी के सहारनपुर में रैली करेंगे। मायावती की आज अलीगढ़ में जनसभा, मायावती अलीगढ़ शहर में रैली करेंगी। वाराणसी में कांग्रेस नेता अजय राय का राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज, फूलपुर थाने में 6 धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा। अजय राय पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला भी दर्ज, अजय राय ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर भड़काऊ बयान दिया था। यूपी के मेरठ में बीजेपी स्टार प्रचारक बबीता फोगाट के काफिले पर हमला, भीड़ ने किया हमला। बबीता फोगाट का जयंत चौधरी पर हमला, कहा जयंत चौधरी जी आप अपने मां बाप के संस्कार भूल गए हैं, बुरी संगत का असर दिखने लगा है। बबीता फोगाट ने कहा मेरी गाड़ी की लाइट तोड़ी गई, काफिले पर हमला हुआ, एसपी और आरएलडी ने साबित किया कि ये लोग गुंडागर्दी फैलाते हैं। यूपी के अमेठी में जीजासाले में चुनावी जंग, गौरीगंज के सीट पर होगा रोचक मुकाबला, कांग्रेस से जीजा तो सत्ता दल से साले ने ठोकी हड़ताल। यूपी के उरई से एसपी प्रत्याशी दयाशंकर वर्मा के झलके आंसू, वायरल वीडियो में रोते दिखे पूर्व मंत्री दयाशंकर वर्मा। मैनपुरी में ग्राम गोपाल यादव के बीजेपी पर साधा निशाना, कहा एसपी कार्यकर्ताओं को गुंडा कहना गलत, आक्रोशित जनता बीजेपी उम्मीदवारों को गांव पीट पीट रही है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का थीम सॉन्ग लॉन्च, गाने एक मौका केजरीवाल एक मौका कोठियाल के जरिए मतदाताओं को साधने की कोशिश। हरिद्वार में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा पहले भारत में पीएम होता था, आज राजा है, राजा बस फैसले लेते हैं, किसी की सुनता नहीं है। हरिद्वार में रैली करने के बाद राहुल गांधी गंगा आरती में हुए शामिल, पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में राहुल गांधी ने किसानों को किया संबोधित, कहा मनमोहन सिंह का समय गोल्डन पीरियड था क्योंकि किसानों और सरकार के बीच साझेदारी थी। उत्तराखंड के सीएम धामी का पिथौरागढ़ दौरा, कुमाऊनी भाषा में लोगों को किया संबोधित, बीजेपी प्रत्याशियों को वोट देने की अपील। जेपी नड्डा का आज उत्तरकाशी दौरा, गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र में करेंगे चुनाव प्रचार, दौरे को लेकर तैयारियों में जुटे नेता और कार्यकर्ता। लुधियाना में आज पंजाब में सीएम के चेहरे का ऐलान करेगी कांग्रेस, दोपहर 2 बजे वर्चुअल रैली करेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी वर्चुअल रैली में कांग्रेस के सीएम प्रत्याशी का करेंगे ऐलान, आवाज पंजाब दीन नाम से वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे राहुल। कर्नाटक हिजाब विवाद के बीच राज्य सरकार ने किया नया ऐलान, सभी शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म का नियम लागू हो। बिहार में माननीय नहीं खर्च कर पा रहे सांसद, निधि विकास के नाम पर 50% से भी कम हो रहे हैं काम, बड़े नाम वालों का और भी बुरा है हाल। मुकेश सहनी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की, कहा हमारी शुरू से मांग है। तेज प्रताप के बयान पर सहनी का जवाब, हमारे लिए सौभाग्य की बात। गायघाट शेल्टर होम मामले में फिर पकड़ा तूल, हाईकोर्ट ने दायर की याचिका, बिहार के सभी शेल्टर होम की जांच कराने की मांग। झारखंड के क्षेत्रीय भाषाओं में को लेकर चल रहा विवाद में मारपीट तक पहुंचा, विपक्ष ने बताया सरकार की प्रायोजित मुहिम, सत्ता पक्ष का पलटवार, कहा युवाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है। जमशेदपुर में मंत्री बन्ना गुप्ता की पहल पर नगर विकास विभाग ने लगाई योजनाओं की छड़ी, महिलाओं की सुरक्षा का भी लिया जाएगा संकल्प, जारी किया अपना मोबाइल नंबर। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान निजी कार्यक्रम के लिए शेखपुरा पहुंचे, इस दौरान चिराग पासवान ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। पटना में आईएएस कॉलोनी स्थित पूर्व एससी एसटी के सदस्य के सह पूर्व पत्रकार विजय चौधरी के घर पर कुछ लोगों ने बम विस्फोट कर दिया, मौके की जांच में पुलिस जुटी। मुजफ्फरनगर पुलिस ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी करके 10 अपराधी को गिरफ्तार किया, पकड़े गए अपराधियों के पास से कुख्यात अपराधी भी शामिल, करीब 10 जघन्य अपराधों में जा चुका है जेल।
आर्थिक अपराध इकाई ने बिहार के लोगों को किया आगाह, साइबर अपराध से बचने के लिए कई दिए निर्देश। सार्वजनिक जगहों पर वाईफाई इस्तेमाल से बचने की सलाह, संदिग्ध ईमेल खोलने से करें परहेज। रांची के खातगढ़ा में होटल से मिला युवक का शव, गला दबाकर हत्या की आशंका। होटल में ठहरे दो युवकों का शव मिलने गया था अमृता। कोलनगरी धनबाद में थर्राने की कोशिश हुई नाकाम, तोपचांची थाना क्षेत्र के गणेशपुर बस्ती से 10-10 किलो के 2 आईडी बम को बरामद किया। ससरा में करंट लगने से 30 साल की युवक की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखीसराय में युवती का शव मिलने के बाद इलाके में फैली सनसनी, मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी है। पश्चिम चंपारण में मंदिर और मठ की जमीन पर अवैध कब्जा, जिला पार्षद समेत अन्य लोगों ने किया फर्जीवाड़ा, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने किया कार्रवाई का दावा। नालंदा से शुक्रवार को अगवा हुए 15 साल के रोहित को पुलिस ने नवादा से किया बरामद, मुफस्सिल थाना क्षेत्र से पुलिस ने बरामद किया। झारखंड में साइबर अपराधी सक्रिय, लोगों के पर्सनल डेटा किए जा रहे हैं चोरी। साइबर विशेषज्ञों के मुताबिक साइबर फ्रॉड के धंधे में डेटा का खुलेआम चल रहा है सौदा। बोकारो में कोयला और बालू माफिया पर बड़ी कार्रवाई, जिलाधिकारियों ने अवैध खनन में लगे वाहन को किया जब्त, मौके पर 2 ट्रैक्टर चालक और ट्रैक्टर मालिक गिरफ्तार। घाटशिला के डुमरिया में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में महीनों से चला रहा विवाद प्रशासनिक पहल के बाद खत्म हो गया। पटना सिटी के गोपालपुर थाना क्षेत्र में चोरों ने ज्वेलरी की दुकान में हाथ साफ किया, 7 लाख के आभूषण ले उड़े चोर, मामले में जांच जारी। लखीसराय में बालू ठेकेदार के घर पर लूट, पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार, 5,70,000 रुपए कैश, मोबाइल फोन, फर्जी आईडी कार्ड और कई सामान बरामद। औरंगाबाद में आपसी विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, घटना में आंगनबाड़ी सेविका समेत कुल 9 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर, मदनपुर थाना क्षेत्र के तेलडिया गांव का मामला। बांका के अमरपुर में अपराधियों ने मचाया तांडव, हसनपुर गांव के पास बाइक सवार 2 पिस्टल दिखाकर की लूट, विरोध करने पर मारपीट करके जख्मी भी किया। नालंदा से अगवा हुए 15 साल के रोहित को पुलिस ने नवादा से बरामद किया है, मामले में पुलिस वालों ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। मधेपुरा में रजनी गांव के 3 बच्चे समेत मालापता, पुलिसिया कार्रवाई नहीं होने से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश। मुंगेर के धरारा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 55 लीटर शराब के साथ एक बाइक को जब्त किया है, पुलिस को देखकर बाइक छोड़कर मौके से फरार हुआ युवक। समस्तीपुर में पुलिस ने नशे की हालत में एक कृषि समन्वयक को गिरफ्तार किया, शराब पार्टी में पी थी कई और लोगों ने भी शराब। शराब में के नशे में हालत में मिला युवक, मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया। ससरा में हुआ बाइक एक्सीडेंट, हादसे में बाइक सवार मां की मौत, बेटा हुआ घायल। दानापुर के बेटा में 2 ट्रक और बोलेरो आपस में भिड़े, ट्रक ड्राइवर की मौत, कई लोग हुए जख्मी, बेटा आरा रोड की घटना। बेतिया में आग लगने से दर्जन भर घर जलकर हुए राख, घटना नौतन थाना के भगवानपुर पंचायत के विसंबरपुर छरकी गांव की। धनबाद के गोविंदडीहपुर गिरिडीह मुख्य मार्ग पर पेड़ से टकराई स्कॉर्पियो, सड़क हादसे में 1 व्यक्ति की मौत, 3 अन्य गंभीर रूप से हुए घायल। भागलपुर पंचायत के मनरेगा योजना में हुए घोटाले का मामला आया सामने, पंचायत समिति सदस्य मंजू कुमारी ने प्रखंड विकास अधिकारी को पत्र लिखकर आवेदन करके जांच की मांग की। औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह ने आम बजट को देश की तरक्की के लिए अच्छा बताया, उन्होंने कहा कि बजट में हर क्षेत्र हर वर्ग का ख्याल रखा गया। औरंगाबाद के चित्रगुप्त नगर में देवी मंदिर में देवी देवताओं की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई, साथ ही भव्य शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। जहानाबाद में पूर्व मंत्री सुखदेव प्रसाद वर्मा की पुण्यतिथि मनाई गई, मौके पर लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी। पाकुड़ में आदिम जनजाति संघर्ष समिति ने मिलन समारोह का आयोजन किया, संथाल परगना के 6 जिलों में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बिहार में घट रहा है कोरोना का दायरा, पिछले 24 घंटे में मिले 442 नए केस, 761 मरीज हुए स्वस्थ, बिहार में एक्टिव केस की संख्या 2916 है। झारखंड में भी घट रहा है कोरोना का दायरा, 24 घंटे में राजधानी रांची में मिले 90 पॉजिटिव केस, राज्य में 449 संक्रमित मरीज, वहीं 2 की हुई मौत। भारत ने जीता अंडर-19 विश्व कप 2022 फाइनल मैच में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया, 48वें ओवर में हासिल किया 190 रनों का लक्ष्य। भारत की जीत के नायक रहे ऑलराउंडर राजबाबा, पहले 31 रन देकर लिए 5 विकेट, फिर खेली 35 रनों की अहम पारी। अंडर-19 विश्व कप में भारत ने 5वीं बार जीता खिताब, पंजाब कप्तान यश ढुल ने कहा हमारे लिए गौरव की बात।
आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज की होगी शुरुआत। आज भारत का ये वनडे में हजारवां